वेलकम टू ध्वनिस किचन। आज मैं एक साउथ इंडियन सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी, आलू मसाला। इसे आप पूरी, रवा इडली और डोसा के साथ सर्व कर सकते हैं। आलू मसाला सब्जी बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज ओनियन को कट कर लिया है। मैंने 1 टेबलस्पून चना दाल का आटा लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप जितना पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें कोई लम्स ना रहे। अब ये मिक्स हो गया है। मैंने 2 आलू को बॉईल कर लिया है और इसकी स्किन निकाल ली है। अब हम इसे हाथ से ही ऐसे मैश करेंगे। अब ये मैश हो गए हैं। अब हम सब्जी बनाएंगे। एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून राई। राई होने के बाद 1 टीस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून चना दाल। गैस की फ्लेम लो करके हम इसे थोड़े टाइम के लिए कुक करेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। फिर से इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही कुक करेंगे। थोड़े टाइम के बाद अब हम इसमें 3 हरी मिर्च और थोड़े से करी पत्ता ऐड करेंगे। मैंने मीडियम स्पाइसी हरी मिर्च ली है। अब उसमें ओनियन ऐड करेंगे। ओनियन को हम 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है। अब हम इसमें चना दाल का आटा ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे मिक्स करेंगे। मैंने टोटल 1 कप जितना पानी ऐड किया है। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है। चना दाल के आटे को हम डायरेक्टली इसमें ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें लम्स हो जाएंगे। इस मिक्सचर को हम 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। अब इसमें बॉइल्ड आलू ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब गैस की फ्लेम लो करके हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो इसमें जो चना दाल का आटा है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। थोड़े टाइम के बाद अब ये सब्जी तैयार है। बीच में मैंने 1 से 2 बार इसे मिक्स किया था। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। तो अब ये सब्जी तैयार है। गैस की फ्लेम बंद कर ले। तो ये साउथ इंडियन सब्जी आलू मसाला तैयार है।